सड़क पंगा से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में अब तक 352 मरीज भर्ती हुए हैं। ब्लैक फंगस के 352 मरीज भर्ती किए गए हैं। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की सर्जरी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई है, जहां पर केजीएमयू में अब तक 352 मरीज भर्ती किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 नए मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 14 मरीजों की सर्जरी हुई है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, जहां पर केजीएमयू में अब तक 352 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के 352 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जबकि 4 उनमें से नए मरीज हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की सर्जरी भी की जा चुकी है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, जहां पर ब्लैक फंगस के 352 मरीज केजीएमयू में भर्ती किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। तो लगातार ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। तो केजीएमयू में अब तक 352 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 352 मरीज भर्ती किए गए हैं और इसमें से 4 नए मरीज भर्ती हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। तो अभिषेक जी, क्या कुछ पूरा अपडेट आ रहा है ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस कोरोना के दूसरी लहर के बाद से इस बीमारी का ज्यादा सुनने में आया कि ब्लैक फंगस की ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार काफी सचेत रही। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस के पूरे यूपी में बहुत ज्यादा मामले नहीं है। हाल फिलहाल में कोई डेथ रेट भी नहीं आ रही है कि कोई किसी की डेथ हो रही है, लेकिन हाँ ये है कि 352 मरीज अभी भी केजीएमयू में भर्ती हैं और 4 नए मरीज भर्ती हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ 14 से 15 मरीजों को लेकर पर डे सर्जरी हो रही है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ विशेष इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और पिछले 24 घंटों में कोई मृत्यु भी नहीं हुई है। जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में, क्योंकि एक तरफ लगातार कोविड से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का कहर जो है वो लोगों पर बरसता दिखाई दे रहा है। तो अगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था है मरीजों के लिए? देखिए, ब्लैक फंगस के लिए मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर हॉस्पिटल और तमाम ऐसी SGPGI में और प्राइवेट की बात करें तो मेदांता, अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटलों में भी सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। और ज्यादा ये शुगर के पेशेंट और तमाम जो 60-65 साल की उम्र के हैं और जो कोरोना की मेडिसिन लिए हैं उनमें ही देखने को मिल रहा है। और ये कोई कोरोना से रिलेटेड बीमारी नहीं है कि ये छूने से फैलती हो, तो इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और सरकार इस पर पूरी तरह से जोर शोर से काम कर रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, जहां पर 352 नए मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें से 4 नए मरीज की संख्या है, जबकि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 14 मरीजों की सर्जरी भी हुई है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई, जहां पर केजीएमयू में अब तक 352 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इसी बीच एक और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेश पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर योग दिवस पर बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेश पदाधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की, जहां पर योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। कोविड संबंधित सामानों पर रियायत तेज हो गई है, सामानों पर जीएसटी से रियायत की घोषणा हो सकती है। जी हां, कोविड 19 से संबंधित जरूरी सामान को लेकर
बैठक की जाएगी। आपको बता दें ब्लैक फंगस की दवा पर कटौती करने का विचार है। राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि इस बैठक में कोविड संबंधी सामानों पर जो दाम है उनके वो कम करने की भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके जो दाम है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयां हैं उनके रेट्स भी कम करने पर चर्चा की जा सकती है। तो 11 बजे अहम बैठक होने वाली है। सबकी बड़ी खबर सामने आ रही है मॉनसून से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है। दिल्ली में इस बार समय से पहले मॉनसून आएगा। मॉनसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले आएगा। 15 जून को दस्तक दे सकता है मॉनसून। 2008 में भी मॉनसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मॉनसून से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर दिल्ली में इस बार समय से पहले मॉनसून आएगा। मॉनसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले आएगा। जी हां, 15 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो इस तरह से लगातार बारिश होती जा रही है, कहीं ना कहीं जो मॉनसून का समय है उससे पहले समय में मॉनसून दस्तक दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में इस बार समय से पहले मॉनसून आएगा। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पार्थ श्रीवास्तव सुसाइड स्कैंडल मामला। मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को बड़ा झटका लगा है। पुष्पेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। निचली अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ कमिश्नरेट की मिली भगत से पुष्पेंद्र जो आरोपी है वो फरार हो गया था। इंद्रनगर थाने में कई मामले भी दर्ज हैं और पुष्पेंद्र और शैलजा के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दौरा आज। फतेहपुर कौशाम्बी प्रयागराज दौरे पर आज स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। दिवंगत पदाधिकारियों के आवास जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह, श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आज स्वतंत्र देव सिंह का कई जगहों पर दौरा होने वाला है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।